हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना आई है, यानी कि इस साल सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, कुछ कॉलेजेस के छात्रों को इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलने की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, यानी कि अगर आपने एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, अगर आपके कॉलेज ने केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई हुई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि क्या न्यूज है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है nspsarkarijob.co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं nspsarkarijob.co। जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहां पे सिंपली एनएसपी प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग एनएसपी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकेंगे जो हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की केवाईसी स्थापित न होने से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में लगा अड़ंगा। जी हां दोस्तों, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई, जिसके चलते उनकी स्कॉलरशिप और फीस वापसी इस साल शायद नहीं होने की। यहां पर मैं आपको पूरी न्यूज पढ़ के सुनाता हूं कि क्या न्यूज है। विशेष संवाददाता, राज्य मुख्यालय केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद से राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली फीस भरपाई और छात्रवृत्ति की सरकारी मदद मिलने में इस बार केवाईसी में दिलाई बड़ी बाधा बन रही है। जी हां दोस्तों, केवाईसी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉलेजेस ने अभी अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई। राज्य में कुल 2.70 लाख अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है और अभी तक इनमें से महज 18,238 संस्थाओं ने ही केवाईसी के लिए आवेदन किया है और इनमें से 16,971 संस्थाओं की केवाईसी पूरी हो पाई है। 252,485 शिक्षण संस्थानों की केवाईसी पूरी होनी अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, अभी जो है सिर्फ 16,971 कॉलेजेस की केवाईसी कंप्लीट हुई है, अभी जो है 52,485 शिक्षण संस्थाएं अभी बाकी हैं। प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशक श्री इंदुमती ने पिछले दिनों इस बारे में सभी मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए संचालित की जा रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एनएसपी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म, जैन छात्रों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, मगर इस साल शायद कुछ कॉलेजेस के छात्रों को इस साल बेनिफिट नहीं मिलने का, क्योंकि उनके कॉलेज की केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज में संपर्क करके पूछिए कि आपके कॉलेज की केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करा लिए, ताकि स्कॉलरशिप लेने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किन छात्रों की इस साल स्कॉलरशिप नहीं आने की। तो आप लोग अपने कॉलेज में कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने केवाईसी कंप्लीट करा रखी है या नहीं। अगर उन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं करा रखी तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और यूपी स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द आवेदन कर दिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।